के लिए आपका थर्ड लेक्चर है। तो आपका टॉपिक चल रहा है डिफरेंशिएशन, उस वक्त हमने डिस्कस किया था डिफरेंशिएशन के बारे में। आज हम देखते हैं डिफरेंशिएशन में एब इनिशियो मेथड, इम्पोर्टेंट है आपका एब इनिशियो मेथड, या इसको हम लोग कह सकते हैं फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड। तो ये मेथड है, देखो इस मेथड से एक फॉर्मूला को डिराइव कर दूंगा मैं, ठीक है। वही फॉर्मूला आप लोगों ने याद रखना, फिर उसी फॉर्मूला को आप लोग यूज करके किसी भी फंक्शन का आप डिफरेंशिएशन निकाल सकते। देखो सबसे पहले आप लोगों का जो फंक्शन जो है एफ ऑफ एक्स, आपका कुछ भी हो सकता है, एक्स स्क्वायर, एक्स क्यूब, थ्री एक्स स्क्वायर प्लस नाइन, कुछ भी हो सकता है। एफ ऑफ एक्स को आप लोगों ने पुट कर देना है, क्या पुट कर देना है, पहला स्टेप याद रखना, एफ ऑफ एक्स को आप लोगों ने वाई पुट कर देना है। अगर वेरिएबल एक्स होगा तो एफ ऑफ एक्स तो आप लोगों का वाई पुट करना, अगर थीटा होगा एफ ऑफ थीटा को वाई पुट कर दो, अगर आपका टी होगा एफ ऑफ टी को वाई पुट कर दो। इसको आप लोग रखो फर्स्ट इक्वेशन। इसके बाद सेकेंड देखो आप लोग, गिविंग स्मॉल इंक्रीमेंट, अब इसके बाद आप लोगों ने बढ़ाना है, इंक्रीमेंट देना, ठीक है। एक्स एस डेल एक्स, एक्स को आप लोगों ने छोटा बढ़ा देना है, कितना बढ़ा देना है, लेकिन वो बढ़ा देना है आप लोगों ने एक्स स्मॉल इंक्रीमेंट देना है इसको, मतलब डेल एक्स मीन्स एक्स प्लस डेल एक्स, एंड वाई एस डेल वाई, वाई को आप लोगों ने क्या ऐड कर देना है, डेल वाई ऐड कर देना। आपका इक्वेशन फर्स्ट बनेगा y प्लस डेल y इज इक्वल टू x प्लस डेल x, सॉरी सॉरी आप लोगों ने रखा ना f ऑफ x प्लस डेल x, पूरा f ऑफ x को नहीं देना है बल्कि किसको देना है, आप लोगों ने जो वेरिएबल है उसको देना है x प्लस डेल x, ठीक। इसको आप लोगों ने क्या रखना है, सेकंड, ठीक। अब इसके बाद थर्ड स्टेप याद रखो आप लोग, सब्ट्रैक्ट फर्स्ट फ्रॉम सेकंड, फर्स्ट को आप सेकंड में से आप लोगों ने क्या कर देना है, सब्ट्रैक्ट। देखो वाई प्लस डेल वाई माइनस वाई इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस डेल एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स, देखो माइनस एफ ऑफ एक्स डिवाइड, ये बन जाएगा ना आपका, ये रहेगा। इसके बाद आप लोगों ने क्या करना है, डिवाइड डिवाइड बोथ साइड बाय डेल एक्स, दोनों साइड को आप लोगों ने डेल एक्स से डिवाइड कर देना, सच दैट लिमिट, एलटीवी लिख सकते हैं, ठीक है ना, लिमिट डेल एक्स अप्रोच टू जीरो, मतलब डेल एक्स जीरो के बराबर नहीं है, लगभग जो है जीरो की तरफ अप्रोच करना है, लगभग जीरो के बराबर मीन्स 0.0001, मतलब ये मैं कह सकता हूँ। तो ये एक स्मॉल वैल्यू है, तो ये जीरो की तरह अप्रोच हो रहा है, इक्वल टू जीरो नहीं है यहाँ पर, मतलब लिमिट्स अप्रोच टू जीरो, ठीक है। तो यहाँ पर डेल एक्स अप्रोच टू जीरो है, ठीक। यहाँ पर आप लोगों ने क्या करना है, डेल वाई डिवाइडेड बाई डेल, लेकिन यहाँ पर आप लोग लिमिट डेल एक्स अप्रोच टू जीरो, डेल एक्स से आप लोगों ने डिवाइड कर लेने, लेकिन डेल एक्स का वैल्यू बहुत छोटा है, लेकिन अप्रोच टू जीरो इज इक्वल टू लिमिट डेल एक्स अप्रोच टू जीरो एफ ऑफ एक्स प्लस डेल एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय डेल एक्स या डेल्टा एक्स, ठीक।
अब देखो, डेल वाई डिवाइडेड बाय डेल एक्स, लिमिट डेल एक्स अप्रोच टू जीरो इसको आप लोग रिप्रेजेंट कर सकता है डी वाई बाय डी एक्स, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा आप लोगों का, ये दोनों फंक्शन का जो डिफरेंशिएशन है, आप लोग कह सकते हैं ना डिफरेंशिएशन ऑफ वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स, ठीक है। लिमिट डेल एक्स अप्रोच टू जीरो एफ ऑफ एक्स प्लस डेल एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय डेल एक्स, इसका मतलब जो लिमिट डेल एक्स अप्रोच टू जीरो में डेल एक्स का वैल्यू बहुत छोटा है, यहां पर मैंने अप्लाई कर दिया, जो ही मैं अप्लाई कर दूंगा तो ये जो है आप लोगों का वाई जो है चेंज होगा एक्स के रेस्पेक्ट, लेकिन वो क्या है स्मॉल चेंज, इसीलिए इस स्मॉल स्मॉल चेंज को मैंने रिप्रेजेंट किया डी वाई डिवाइडेड बाई डी एक्स। वाई जो फंक्शन है वो आप लोगों का स्मॉल फंक्शन लेंगे, स्मॉल फंक्शन क्या बनेगा डेल्टा डी वाई, तो डी वाई डिवाइडेड बाई डी एक्स। वाई जो फंक्शन है स्मॉल, वाई फंक्शन जो है चेंज हो रहा है स्मॉल एक्स फंक्शन के हिसाब से, तो ये बनेगा डी वाई डिवाइडेड बाई डी एक्स। लिमिट डेल एक्स अप्रोच टू जीरो एफ ऑफ डेल एक्स एफ ऑफ एक्स प्लस डेल एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स डिवाइडेड बाई डेल एक्स। इस इक्वेशन को आप लोग क्या नाम देंगे, एबेनेशो मेथड, या इसको आप लोग फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड भी नाम देंगे, एबेनेशो मेथड, ठीक है। यह आ जाएगा आपका एबेनेशो, ये वाला यहाँ से एग्जाम्पल में यूज करूंगा, ठीक है। एग्जाम्पल है फंक्शन है एफ ऑफ एक्स, एफ ऑफ एक्स आप लोगों का एक्स क्या है, अब इसको डिफरेंशिएशन करना है बाय एबेनिशियो मेथड, ठीक है। तो उस वक्त हमने एक फॉर्मूला बताया था एन एक्स एन माइनस वन, ठीक है। तो यहाँ पर मैं एबेनिशियो मेथड यूज कर दूंगा, जो ही मैं एबेनिशियो मेथड यूज कर दूंगा डायरेक्ट ये फॉर्मूला यूज करूंगा, ठीक है। तो आपका क्या बनेगा डी वाई बाई डी एक्स, लिमिट डेल एक्स अप्रोच टू जीरो, किसी किसी बुक में एच लिखा होगा, यहाँ पर डेल एक्स की जगह पर एच, ठीक है। तो यहाँ पर देखो एफ ऑफ एक्स प्लस डेल एक्स, एफ ऑफ एक्स मीन्स एक्स क्या है, तो आप लोगों का क्या बनेगा एक्स प्लस, लेकिन डेल एक्स यहाँ पर इंक्रीमेंट दे दिया, डेल एक्स का स्क्वायर, फंक्शन एफ ऑफ एक्स एक्स स्क्वायर है, लेकिन यहाँ पर देखो एफ ऑफ एक्स प्लस डेल एक्स, तो आप लोगों का क्या बनेगा एक्स प्लस डेल एक्स स्क्वायर माइनस एफ ऑफ एक्स एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई डेल एक्स, ठीक। आगे देखो आपका फंक्शन dy divided by dx is equal to limit del x approaches to zero a plus b का होल स्क्वायर, इसको आप लोग क्या कर देना है एक्सपेंड कर दो, x स्क्वायर प्लस del x स्क्वायर प्लस 2x del x, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab माइनस x स्क्वायर डिवाइडेड बाय del x, ठीक है। ये देखो आप, ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, तो आपका क्या बनेगा डी वाई डिवाइडेड बाई डी एक्स, ठीक है। आपका बन जाएगा, पहले मैं लिखूंगा टू एक्स डेल एक्स लिखूंगा, बाद में लिखूंगा डेल एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई डेल एक्स, ठीक। अब इसके बाद मैं क्या कर दूंगा, डेल एक्स को मैं कॉमन निकाल दूंगा डी वाई डिवाइडेड बाई डी एक्स, ठीक है। यहाँ पर देखो आपका क्या बनेगा 2x, डेल एक्स को मैंने बाहर निकाला प्लस डेल एक्स स्क्वायर मींस डेल एक्स एक बाहर निकाल दिया आप लोगों का, डेल्टा एक्स एक रहेगा डिवाइडेड बाय डेल एक्स, ठीक है। कोई कोई डेल एक्स को ऐसे भी लिखता है डेल एक्स डेल्टा एक्स, ठीक। और ये कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर लिमिट है डेल एक्स अप्रोच टू जीरो, ठीक। अब लिमिट्स अप्लाई कर दो इसमें, जो ये मैं लिमिट अप्लाई कर दूंगा डेल एक्स का वैल्यू जो है लगभग मैं जीरो पुट कर दूंगा, एक्चुअली जीरो के बराबर तो नहीं है लेकिन टू एक्स पर मैं जो है 0.000001 अगर मैं ऐड कर दूंगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसीलिए मैं इसको क्या मानूंगा जीरो मानूंगा अप्रोच टू जीरो। डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, जो ही मैं अप्लाई कर दूंगा लिमिट्स तो आपका क्या बनेगा टू एक्स, बाकी वो जीरो हो जाएगा, ठीक है। कर देना आप लोगों का एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू, अगर एक्स स्क्वायर होता तो आप लोग क्या करते हैं टू एक्स, एक्स एन वाला फॉर्मूला यूज करेंगे टू माइनस वन, तो आप लोगों का क्या आता है टू एक्स। तो ये जो है फॉर्मूले को आप लोग क्या कहेंगे, एबेनिशियो फॉर्मूला, एबेनिशियो मेथड या फर्स्ट प्रिंसिपल है। जो है एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है एबेनिशियो मेथड से आप लोगों ने प्रूफ कर दिया, उस वक्त हमने साइन एक्स कॉस एक्स का आप लोगों का ऐसे लिख पाया था क्या डिफ्रेंसिएशन होता है,
लेकिन आज हम प्रूफ कर देंगे। ठीक है, तो देखो आप लोगों का इस तरह से क्वेश्चन आएगा, तो मैं डायरेक्ट लिखूंगा, आप लोगों ने डिफ्रेंसिएशन करना है। डिफ्रेंशिएट एक्स एन है आपका, डिफ्रेंशिएट करना है। तो आप लोगों का पहला फॉर्मूला पता है क्या है, एन एक्स एन माइनस वन, एन एक्स एन माइनस वन, एक्स एन का आ जाएगा डिफ्रेंशिएट एक्स एन बाय एबिनिशियो मेथड या फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड। ठीक है, तो सबसे पहले मैं इसको एबिनिशियो फॉर्मूला तक लेके आऊंगा, इसके बाद हम आगे देखते हैं। ठीक है, क्वेश्चन है आप लोगों का वाई या एफ ऑफ एक्स भी हो सकता है, जरूरी नहीं वाई होगा। तो मैंने वाई पुट कर देना है किसको, एक्स पावर एन को। इसको मैंने क्या करना है, फर्स्ट फंक्शन रखना है। इसके बाद मैं क्या करता हूँ, इंक्रीमेंट डालता है ना, गिविंग स्मॉल इंक्रीमेंट। अब मैं बढ़ा दूंगा एक्स एस, एक्स को मैं ऐड कर दूंगा डेल एक्स एंड वाई को मैं ऐड कर दूंगा डेल वाई। ठीक, अब देखो आपका फर्स्ट इक्वेशन क्या बनेगा, वाई प्लस डेल वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस डेल एक्स पावर एन, ये आपका बनेगा सेकंड। अब थर्ड स्टेप सब्ट्रैक्ट करना है बस सेकंड में से, तो आप लोगों का क्या आएगा, सब्ट्रैक्ट सब्ट्रैक्ट फर्स्ट फ्रॉम सेकंड। ठीक है, जो आपका सब्ट्रैक्ट करेगा तो आपका क्या आ जाएगा, वाई प्लस डेल वाई फर्स्ट इक्वेशन आएगा माइनस वाई इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स की जगह पर आपका क्या आएगा, एक्स प्लस डेल एक्स का पावर एन माइनस